कई लोगों को यह प्रॉब्लम आ रही है कि जब वह डिजी लॉकर में रजिस्टर होते हैं तो उसका आधार कार्ड पहले से डिजी लॉकर में रजिस्टर है ऐसा लिखा हुआ आता है। सुराज, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप यूजर आईडी या पिन भूल चुके हैं तो उसको कैसे रिकवरी करेंगे, कैसे वापस लाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूजर आईडी और पासवर्ड रिकवरी करने के लिए, वापस लाने के लिए डीजी लॉकर वाले एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करते ही आपके सामने में कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस आपको नज़र आएगा। यहाँ पर गेट स्टार्ट है, गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे आपको इस तरीके से यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ क्रिएट अकाउंट है, इस पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरीके से यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब जैसे कि आप यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं तो सबसे पहले यहाँ जो साइन इन है, इस साइन इन पर क्लिक करेंगे आपके सामने में कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस नज़र आता है। अब जैसे कि यहाँ पे आप पिन भूल चुके हैं तो यहाँ फॉरगेट पिन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते यहाँ अपना मोबाइल नंबर या आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो आपका है जो डाले थे वो डालेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, यहाँ पर देखिए आ चुका है। तो इस तरीके से आपके मोबाइल पे OTP आएगा, OTP आपको डाल के इस तरीके से यहाँ वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो है OTP यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे आप पिन सेट कर सकते हैं जो भी आपको पिन रखना है। चलिए हम यहाँ पे पिन सेट कर लेते हैं। पिन सेट करने के बाद सिंपली यहाँ सबमिट वाले पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यही देखिए यहाँ पर आपका जो है पिन सेट हो चुका है। सो इस तरीके से आप जो है पिन सेट कर सकते हैं। अब मैं पिन सेट कर लिया हूं तो यहां पे मैं आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालूंगा, यहां पिन डालूंगा। इसके बाद यहां पे साइन इन पर क्लिक करूंगा। साइन इन करते ही आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, वो OTP यहां पर डाल के यहां पे आपको सबमिट करना है। यहां पर देखिए OTP आ चुका है। तो इस तरीके से आपके भी मोबाइल पर OTP आएगा और आपको डाल के यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट कीजिएगा तो आप जो है डिजी लॉकर में ओपन हो जाइएगा। यहाँ देखिए आप डिजी लॉकर में यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। सो इस तरीके से अगर आप पिन भूल जाते हैं तो उस पिन को आप दोबारा से चेंज कर सकते हैं और अब बहुत ही इजीली आप डिजी लॉकर में ओपन हो सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है जिससे आप जो है अपना पिन भूल जाते हैं तो आप बहुत ही ईजिली उसको फॉरगेट करके बहुत ही ईजिली आप जो है डिजी लॉकर में ओपन हो सकते हैं। सो गाइस, आज के वीडियो में आपने जाना कि भूला हुआ पिन को हम किस तरीके से रिकवरी करेंगे, वापस लाएंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।